वॉल्यूम सरफेस एरिया की बहुत टेंशन हो रही है आप लोगों को, होने वाला है कंप्लीट। आज 13.7 हमारी कंप्लीट हो जाएगी एंड विद एक या दो और वीडियोस में हमारी 13.8 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं 13.7 लास्ट थ्री क्वेश्चंस जो आज खत्म हो जाएंगे। लास्ट थ्री क्वेश्चंस में सेवेंथ एट नाइन्थ आते हैं, जिसमें सेवेंथ और एट में आपको एक साथ समझाऊंगी, दोनों ही रिलेटेड है क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अ राइट ट्राइंगल एबीसी विथ साइड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। अ राइट ट्राइंगल एबीसी विथ साइड्स 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जब राइट ट्राइंगल है तो जो सबसे लंबी वाली साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, वो हाइपोटेन्यूज होगी, है ना। और 5 और 12 को आप कहीं भी ले सकते हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो राइट ट्राइंगल है, इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इस बात को समझने वाली चीज है, ये बात समझने वाली है कि अगर ये मेरा राइट ट्राइंगल है, मान लो ये मेरा ऐसे राइट ट्राइंगल है ए बी सी, तो भाई ये तो फिक्स्ड है ना, इसको तो मैं हिला नहीं सकती। अब 5 मैं यहां पढ़ लू या यहां पढ़ लू, ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन ये क्लियर हुआ कहां से, जब उन्होंने बोला कि इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, ये 12 सेंटीमीटर लेना है और 12 सेंटीमीटर के अबाउट हमारी जो हमारा जो ट्रायंगल है वो रिवॉल्व हो रहा है ऐसे ऐसे चारों तरफ, आप समझ रहे हो। जैसे कि ये वाली जो साइड है ये 12 सेंटीमीटर है, राइट, ये 12 सेंटीमीटर की साइड है ट्रायंगल की, तो इसके अबाउट अब, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है 5 सेंटीमीटर की साइड, ठीक है। ये क्या है, मेरी 12 सेंटीमीटर की साइड, ये 12 सेंटीमीटर की साइड है, और ये मेरी क्या है, ये 5 सेंटीमीटर की साइड है। तो इसके चारों तरफ ऐसे 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 घूम रहा है वो ट्रायंगल, लेकिन ये साइड फिक्स्ड है खड़ी हुई, ये साइड नहीं हिल रही अपनी जगह से, सिर्फ और सिर्फ ये 5 वाली ऐसे पीछे जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर पीछे जाती है, फिर ऐसे आती है। ये है मतलब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर पहले इधर गई, फिर ऐसे आगे से, फिर पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से, लेकिन ये तो फिक्स्ड है ना। तो इसका क्या मतलब है, इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, कि ये फिक्स्ड है और इसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है ट्रायंगल। तो 5 सेंटीमीटर फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे पीछे से इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरह से हमारा एक कोन बन जाएगा, लाइक दिस। तो उन्होंने बोला ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। सॉलिड मतलब वो पूछ रहे हैं कि भाई अब यहां पर कहीं कोन वर्ड यूज हुआ नहीं हुआ, ये तो तुम्हें पता है कि कोन की एक्सरसाइज है 13.7, तो हमें कोन के फॉर्मूले लगाने हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कहीं कोन वर्ड यूज हुआ, सिलेंडर वर्ड यूज हुआ, हेमिस्फीयर या स्फीयर वर्ड यूज हुआ, नहीं, तो हमें खुद से देखना है कि जब ट्रायंगल को इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कौन सा शेप बन रहा है, हमारी कौन सी शेप बन रही है। तो वो पता चला कि कोन बन रही है, तो ये सॉलिड का मतलब क्या है, कोन यहां पर, ठीक है। कौन सा सॉलिड बना, कोन बना। सो यहां पर लिख देना पहले कि सॉलिड फॉर्म्ड इज कोन, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि कोन का फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम वाला, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है हमको, बस सीधी सी बात है। तो वॉल्यूम इज 1/3 πr² h, यानी 1/3 πr, r क्या है बेटा हमारा, यहां पर 5 है और ये भी 5, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो r यहां पर हमारा 5 हो गया और h क्या है 12, और 13 का यहां पर कोई यूज नहीं है, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं यहां पाई को नहीं खोल रही हूं, क्योंकि जस्ट टू शो यू कि हमारा पीछे से बैक साइड से आंसर चेक आंसर मैच कर रहा है। अगर आप यहां पाई को खोल भी आओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं पाई को नहीं खोल रही हूं, तो यहां पर आ गया 1/3 πr² × 12 सेंटीमीटर क्यूब, पाई रह गया, यहां गया पाई, ओके। सो 3 4s are 12 और ये मेरा हो गया 4 × 25, दैट इज 100 πr सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वही है, इफ ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी बनाया था हमने लाइक दिस, ये वो कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल एबीसी इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, दैट मींस अब वो रिवॉल्व कर रहा है 5 सेंटीमीटर के अराउंड, दैट मींस जो हमने ये 12 माना था, अभी हमारा 12 नहीं है ये फिक्स्ड वाला, ये हमारा 5 है, और ये क्या है, ये वाली जो साइड है ये 12 है। तो ये ऐसे ऐसे जो पीछे से घूम के आ रही है ये साइड, ये जो है ये रेडियस क्या है 12, और ये फिक्स्ड वाली साइड क्या है 5, तो ये 5 है, ये 12 है,
और ये पीछे से ऐसे जाती है, फिर घूम के आती है, फिर जाती है, फिर घूम के आती है। अच्छा यहाँ पर ना आप जो नेमिंग करोगे या सी डैश कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सी डैश जो होगा वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर का, और ये हमारा बन गया हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन दो क्वेश्चंस में फर्क क्या है, रेडियस और हाइट का। यहाँ पर रेडियस 5 था, हाइट 12 थी, यहाँ पर रेडियस 12 है, हाइट 5 है, ठीक है। रटना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 है तो 12 हाइट हो गई, वो फिक्स्ड हो गया, जोन सी साइड के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है वो चीज फिक्स हो गई, वो हाइट फिक्स हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम निकालना है हमको, यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम ही निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेंड। तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई, आर क्या मेरा 12 का स्क्वायर इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब, मैं फिर से पाई को नहीं खोल रही हूँ, ठीक है। 1/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 3 4s are 12, 4 5s are 20, 20 इंटू 12 इज 240, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, उन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स, इन दोनों वॉल्यूम्स की रेशियो निकालनी है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो रेशियो क्या आएगी, यहां पर निकाल लें, रेशियो विल बी इक्वल टू 100 पाई, यहां पर मेरा 100 पाई आया था देखो, और यहां पर मेरा आया 240 पाई, सो पाई से पाई कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 5/12 दैट इज 5:12 विल बी माय आंसर। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि क्या निकालना है, कुछ भी नहीं पहचानना आपको क्वेश्चन में। देखो, अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, वीट समझते हो, कोन की शेप में है वीट, ठीक है। हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर, डायमीटर क्या गिवन है, 10.5 मीटर, हाइट क्या गिवन है, 3 मीटर, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम, हमें शेप बता दी गई है कि कौन सी शेप है, कोन, तो वॉल्यूम जो होता है कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमको तो यार डायमीटर गिवन है, यूनिट्स चेक कर लिया करो बेटा सेम है या नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए, डायमीटर ये है तो हमारा रेडियस हो जाएगा 10.5/2 मीटर्स, ठीक है। तो हमने यहां से डेसिमल हटाया, नीचे जीरो लगाया, 5 4s are 5 2s are 5 1s are, दैट मींस मेरा रेडियस आ गया 21/4 मीटर्स। ऑलराइट, यहां पर ये फॉर्मूला है हमारे कोन का, सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/4, 21/4, हाइट की वैल्यू 3 मीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं, 3 7s are 21, 7 से 7 कैंसिल आउट, ओके, 2 2s are 2 11s are, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 11 बचा, 21 बचा, 3 बचा, और बचा 8, ओके, सो 11 इंटू 3 1s are 3, 3 2s are 6 अपॉन 8, यानी 693/8 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, सो 8 8s are 64, 53 आया, 53 जाएगा 8 6s are 48, 58 6s are 48, 20, और 8 2s are 60, देन 5s are 40, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, उसको एक क्लॉथ से, कैनवस क्लॉथ से हमने रेन से प्रोटेक्ट करना है, तो हमें कैनवस कितना रिक्वायर्ड है उस हीप ऑफ वीट को कवर करने के लिए वो पता लगाना है, और कैनवस वर्ड तो जहां भी नजर आ जाए दैट मीन्स हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहां निकालते हैं हम CSA, यानी पाई आर एल, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास R है लेकिन L हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हमको L निकालना पड़ेगा, ठीक है। L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L square is equals to R square plus H square, L square is equals to R square, यानी 21/4 का square, क्योंकि R हमारा ये है, और H हमारा क्या है, 3, यानी 3 का square,
तो ये हमारा आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आएगा 4 फाइव जर 20, 4 टू जर 8, 4 फाइव जर 20, ठीक है, प्लस 9, ओके। और 5.25 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो मेरा आएगा 5.25 का स्क्वायर 5552 5520 26, 10 और 2625, दैट मीन्स मेरा आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 27.5625 प्लस 9, ओके। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा आ गया 36.5625, दैट मीन्स अगर मैं एल निकालूं तो मेरा यहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ओके। अब हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट कैसे, 36.5625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, देखो 6 6 6 6 36, ठीक है, डेसिमल का डेसिमल लगाया क्योंकि हमें ये दोनों चाहिए, यहां पर 56, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 12 आया, ठीक है, बट ये तो बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, तो हम यहां पर 0 लगाते हैं और ये दोनों भी यहां पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर 60 है तो यहां पर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 120 आ जाएगा, ओके। अब 1203 अगर हम करते हैं तो हमारा आता है 3609 क्योंकि बहुत छोटा है, 1204 करते हैं तो हमारा आता है 4816 और 5 करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा हमारा 5 5 25 5 2 10 और फिर 6 हो जाएगा, तो हम करते हैं 4 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 4816, 15 में से 6 गए 9, 1 में से 1 गए 0, 16 में से 8 गए 8, ठीक है। यहां पर आ गया 2 4 8 2 0 0 2 6 12 और यहां पर 2 0 फिर से हम लगा देते हैं अपने आप से, ठीक है। अब ये हमारा किससे जाएगा, 5 8 40, ये हमारा जाएगा 6 से, 6 6 36, 6 8 48 और 151 और 6 2 12 और यहां पर 7। अब मैं ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूं क्योंकि इससे आगे तो हम निकालेंगे नहीं, ये हम इतने को ही 3 केसेस तक ही कंसिडर करते हैं। तो जो एल आ गया मेरा वो आ गया 6.046 मीटर्स, ओके। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पाई आर एल। अब ये हमारा हो गया 22/7 इंटू आर हमारा 21/4 था जिसको हमने कैलकुलेट करके लिखा था 5.25, 5.25 इंटू एल क्या है मेरा 6.046 मीटर स्क्वायर, ओके। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो कोई ऑप्शन नहीं है, 6.046 इंटू 5.25 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 5 4 20 23, 5 6 30, 2 6 12 9 0 12, ये हो गया हमारा 5 6 30 0 3 2 0 3, तो ये हमारा आ गया 0 5 1 4 7 1 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरा। इसको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब हमें इन दोनों इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से, है ना। सो 31.74150 इंटू 22, 2 4 8 2 7 14 2 3 6, 0 0 3 8 4 3 6, यानी ये हमारा आ गया ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आ गया और डिवाइडेड बाय 7, ये बचा हुआ है भी हमारा, ठीक है। इसको हम 7 से डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, 7 9 63, तो ये हमारा आ गया 68, फिर से 7 9 63, तो ये आ गया 53 और यहां बचा पॉइंट, ठीक है 53, तो 7 7 49, 41 आ गया, 7 5 30 और 7 5 और 7 9 60 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी माय आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ओके। सो 13.7 हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं 13.8 स्टार्ट करा दूंगी आपको, और उससे पहले जो 2-3 एग्जांपल्स है पहले वो करा दूंगी, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।